नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित आर्य, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल अमित आर्यवर्त में। दोस्तों, यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन आता है उसको जरूर दबाया कीजिए, तभी आप नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर पाएंगे। आप सभी मित्रों को नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम। दोस्तों, हमारे देश की संस्कृति हमेशा से ही महान रही है, लेकिन जब से इस देश में अंग्रेज आए हैं उसके बाद हमारे देश में अनेकों प्रकार के गंध मच गए हैं और वो गंध आज़ादी के बाद में बढ़ता गया है। अनेकों प्रकार के गंध, विदेशी अब जो पश्चिम देश हैं उन पश्चिम देशों से अनेकों प्रकार के गंध यहाँ पे खींचे चले आ रहे हैं। यहाँ पे एक होड़ मची हुई है कि यदि अंग्रेज नंगा घूमेंगे तो हम भी भाई नंगा घूमेंगे। मतलब इस तरीके की होड़ क्यों लगा रखी है इन लोगों ने। हमारे देश के जो काले अंग्रेज हैं, दो अक्षर अंग्रेजी के पढ़ लेते हैं तो अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा 30 मार्का समझ बैठते हैं, सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़े आप तुम विधाता हो गए हो एक तरीके से, दो शब्द अंग्रेजी के पढ़कर, जबकि अंग्रेजी बहुत ही छोटी भाषा है और पश्चिमी संस्कृति उसका अनुसरण करे जा रहे हैं, जिस संस्कृति में बच्चों को पैदा होते ही छोड़ देना जायज़ माना जाता रहा है उस संस्कृति में। वहाँ पर यदि आप जाने उनका इतिहास तो अभी वो बच्चे पालना शुरू किए उन लोगों ने, वरना वहाँ पर तो चर्च में छोड़ दिया जाता था बच्चों को पैदा होते ही। तो अब धारा 370 हटनी चाहिए थी, लेकिन धारा 370 हटा दी। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग भी मुझे लगता है कि हो सकता है वो भी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके, उनका भी इलाज होना ज़रूरी है। आप एक चीज़ देखिए, जो पागल है, पागल खाने में पागल रहते हैं ना, उन पागलों पर यदि ये मोहर लगा दी जाए कि भाई पागल नहीं है, उनको बाहर छोड़ो, और ये एक स्वाभाविक क्रिया, प्राकृतिक क्रिया है, तो ये पागल नहीं है, तो सोचिए समाज में क्या होगा, चारों तरफ आप खुद ही सोच सकते हैं। धारा 370 हटाना, वो लटका डर हटाना है जो कि इनके सर पर मंडराता था, ताकि ये खुल्लम खुल्ला गंध नहीं मचा पाते थे। अब तो ये खुल्लम खुल्ला गंध मचाएंगे, हर जगह आप देखेंगे गंध मचाते फिरेंगे, और इस समाज को, इस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। ये बर्बाद होगा, निश्चित होगा, क्योंकि यहाँ की कानून व्यवस्था इतनी बेकार है, ऐसी कानून व्यवस्था है जो कि इस देश की भलाई का कभी भी कुछ भी सोचती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ सोचते हैं कि इस देश को कैसे बर्बाद किया जाए। बस इनके नज़र में ये लोग सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिख लिए हैं और हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, हमारी कुछ ज़्यादा ही तरक्की हो गई है। नहीं, तुम्हारी तरक्की नहीं हुई है, तुम निम्न कोटि का बन गए हो, नीचे गिर चुके हो, तुम इस देश को तबाह करने की तरफ आगे बढ़ रहे हो। पश्चिम देश वापिस लौट रहे हैं, वैदिक धर्म की तरफ उनका काफ़ी झुकाव हो रहा है, सही चीज़ों की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो काले अंग्रेज हैं वहाँ की शिक्षा ग्रहण करने के बाद में उन्हीं की तरफ भागे जा रहे हैं। क्यों भागे जा रहे हैं? क्योंकि ये मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। आपको मैं यमुनानगर की सच्ची घटना बताता हूँ। यमुनानगर में 11 सितंबर की बात है, 11 सितंबर को एक लड़के का विवाह होना था, तो उससे दो दिन पहले ही वो लड़का अपने एक नाबालिग दोस्त के साथ में भाग जाता है। बाद में उसके परिवार वाले बताते हैं कि उसके दोस्त का फ़ोन आता था, वो कहता था कि तू शादी नहीं कर सकता, तू शादी क्यों कर रहा है इस तरीके से। अब जब पुलिस में ये बात गई तो स्पष्ट हो गया कि ये समलैंगिकता मामला है, अब छानबीन चल रही है। सोचिए, यदि उन्होंने पहले ही अपने लड़के का इलाज करवाया होता, सोचा समझा होता इस बारे में कुछ, तो आज उनको ये दिन नहीं देखना पड़ता। सामाजिक रूप से उनके ऊपर कितना दबाव बन रहा होगा। और सबसे बड़ी बात, उस लड़की के बारे में सोचिए जिसका विवाह तय हो चुका था, 11 तारीख को जिसका विवाह होना था लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि उसका होने वाला पति एक समलैंगिक था जो कि किसी लड़के के साथ में भाग गया। खैर, उसकी ज़िंदगी बच गई, बहुत ही अच्छी बात है। यदि सोचेंगे उसके परिवार के तो उनको समझ में आया कि उनकी लड़की की ज़िंदगी बच गई है, ना कि बर्बाद हुई है। खैर दोस्तों, ये मानसिक बीमारी इसी प्रकार चलती रहेगी, यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी कानून व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, पूरा शिक्षा का सत्र जो है ना वो बदलना पड़ेगा, तभी इस देश का कुछ भला हो सकता है, वरना अनेकों प्रकार की बीमारियाँ आगे आप समाज में देखेंगे ऐसी ही चलती रहेंगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तुरंत कर लेना। आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, फिर मिलते हैं इस वीडियो के साथ में।